ये जो बच्चे देख रहे हो ये अभी बाड़मेर से आए हैं, मैं भी सब बंदों को आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। और ये हैं अभी जैसे मैं माड़ा पहना था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये बंदे इनके जो दोस्त हैं बड्डी पेर हैं और जो इनके साथ ट्रेनिंग करते थे, खासकर जो लकी डिफेंस एकेडमी में इनके साथ तैयारी करते थे, कुछ लगे और कुछ नहीं लगे। तो जो नहीं लगे वो इनका भी नहीं लगेगा, मतलब अभी आए हैं, इन्होंने अभी फॉर्म भी नहीं भरे, कई बच्चे भी नए आए। और ये जितने भी मेरे पीछे देख रहे हो इन्होंने लगभग फिजिकली, मेडिकली और रिटर्न तीनों पास कर चुके हैं। और अभी फाइनल सिलेक्शन जैसे ही इनका हो जाएगा, मतलब मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो मेरी लकी डिफेंस एकेडमी की तरफ से इनको ट्रॉफी और प्लस गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। लेकिन इनको यहाँ लाडनू आना पड़ेगा, इनको फिर ट्रॉफी और मेडल का भी मेरा एक प्रोसीजर है। इसके अलावा मेरे डिफेंस में जो भी बंदा 3 महीना रह जाता है उनको मेरे साथ, मेरी मतलब जो आर्मी की ड्रेस है, मेरी इंडियन आर्मी की ड्रेस के साथ बच्चे को एक फ़ोटो गिफ्ट भी की जाती है, वो बच्चे का भी साथ होगा। ये भी मेरा एक डिफेंस का प्रोसीजर मैं बता देता हूँ, जैसे भी नए नए बच्चे आए, अभी नए एडमिशन चल रहे हैं 1 जुलाई से। और अभी चलो ये भगवान भी इनको आशीर्वाद दे रहा है कि बारिश भी अभी हो रही है, अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, आ गया ये हमारी लाडनू की है सुषमा शर्मा, जिसने ग्राम सेवक मतलब समझते हो, पटवारी और ग्राम सेवक जो होते हैं उसमें भी सिलेक्शन दे दिया है, और प्लस इसने CRPF में भी सिलेक्शन, दोनों चीज़ों में सिलेक्शन दे दिया। एक बार तालियां बजा दो। संजू इसको माला पहना के सम्मानित करेगी, सब तालियां बजा दो। तालियां क्यों कुछ कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा धन्ना, 100 के 100 नंबर इंडियन आर्मी जो अग्निवीर का, उसमें फिजिकल का 100 के 100 है और रिटर्न में भी इसके 70 80, तो मतलब दोनों मिला के 200 में से 180, और मैं मेरिट का बता देता हूँ 150 के आसपास जो अभी मेरिट छूटेगी, 150-60 की, तो इसमें सिलेक्शन इसका फाइनली मैं मानता हूँ। मेरा जो 18 साल का एक्सपीरियंस प्लस जो डिफेंस का एक्सपीरियंस दोनों के साथ मैं बताता हूँ। तो अभी ये अपना बच्चा इसको सम्मानित करेगा, धन्नाराम सुतार बाड़मेर से बंदा है। नेक्स्ट अभी समुंदर, मैंने वीडियो बनाया था, सीओ साहब ने मतलब ये जब रनिंग कर रहा था उस बेच में इसने 50 मीटर 100 मीटर का, मतलब 100 मीटर मायने रखता है, बोलना आसान है लेकिन 100 मीटर का मतलब गेप सबसे आगे था। सीओ साहब ने अलग से बुलाया भी था बच्चे को, हाँ बेटा कहाँ के रहने वाला, क्या नाम है, और ये भी पूछा था कि कहाँ ट्रेनिंग करते हो, तो इसने बताया था लकी डिफेंस अकेडमी में, और वो भी बोला सर फौजी रिटायर्ड है, बहुत गांड कुटाई करता है, इसने कहीं सीओ साहब को बताया भी है, मेरे को बोला था। तो चलो कुटाई तो आपके अच्छे के लिए करते हैं, फिर भी आज मेरे से मिलने आया बंदा, बाड़मेर से चला के यहाँ मिलने आया, और सालासर बालाजी के भी इन्होंने बच्चों ने दर्शन किए, अभी सालासर बालाजी हमारे से 30 किलोमीटर दूर है बालाजी महाराज का, तो वहाँ भी बच्चे दर्शन करके हैं। तो आशीर्वाद भी जरूरत है गुरु का, माँ बाप का और भगवान का, उसके साथ मेहनत भी जरूरी है। तो अभी कैलाश, ये भी बाड़मेरी है, दोनों बाड़मेरी, तो कैलाश इसका सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये हमारा मनीष फड़ोदा मेड़ता का है, CRPF में CRPF रिटर्न पास हुआ है, तो अपना शिवराज सिंह सम्मानित करेगा, दोनों बड्डी हैं, तो ये भी बहुत खुशी की बात है मनीष का। महेंद्र, एक डांस का वीडियो देखा होगा मेरा आपने, इसके साथ जो लेडीज बन के थी, ये ही बंदा है वो जो लेडीज मतलब राजस्थानी सूट में पूरा घूंघट निकाल रखा था, डांस कर रहा है, वो बंदे का चेहरा देख लो, यही है। तो मतलब गुड में आया बंदा, फिजिक इसका रिटर्न में अच्छा है, मेडिकल फिट है, कहने का मतलब फिजिकल रिटर्न मेडिकल तीनों में पास है मेरा महेंद्र चौधरी बाड़मेर से, ये भी तालियां बजा दो महेंद्र के लिए। ये हमारा अशोक पटेल सम्मानित कर रहा है इसको, गुड। ये हमारा सोहेल एक्चुअली गांव धोलिया है लेकिन लाडनू में रह रहे, और सोहेल का इंडियन आर्मी में फिजिकल मेडिकल और रिटर्न तीनों क्लियर हो चुका है। अभी इनको सुशील ठोलिया सम्मानित करेगा। दूसरा मैं बता देता हूँ, जितने भी मेरे कैम खानी भाई हैं, भाई थोड़ी सी मेहनत कर लो, और आप लोगों का अलग से कोटा रहता है, उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी पढ़ाई और मेडिकली यदि फिट हो गए तो आपका बहुत इजी सिलेक्शन हो जाता है। मेरे जितने भी कैम खानी भाई हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट है शाहरुख खान के लिए तालियां। शाहरुख खान है फिजिकल मेडिकल रिटर्न क्लियर, मेरे लाडनू के स्टूडेंट है। इस बार 2 बंदे तो अभी आए नहीं, हैदर और रमजान, वो आए नहीं अभी, चलो उनको मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी सोहेल है, शाहरुख है, लाडनू के। बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमारे को जब मेरा बच्चा लगता है, मेरे को दिल से खुशी होती है, एक फॉर्मेलिटी अलग चीज़ होती है, लेकिन जितने भी बच्चे सिलेक्शन दिए एक दिल से, चलो पैसे दिए इन्होंने, खाया पिया रहा हॉस्टल में रहे वो एक अलग बात है, लेकिन जो एक दिल का कनेक्शन होता है, खासकर मैं बता देता हूँ मेरे से दिल से जिसका कनेक्शन हुआ है 100% बच्चे ने सिलेक्शन लिया है उस चीज़ का। नेक्स्ट है देवराज सिंह राठौड़, आसोटा का है, फिजिकल मेडिकल और रिटर्न तीनों क्लियर है, अपना रवि मीणा सम्मानित करेगा। देवराज के लिए तालियां सब।
अच्छा सर, ये हो गए हमारे सिलेक्शन। अभी कुछ बच्चे आए नहीं है, बहुत बच्चे हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ जोधपुर के, बाड़मेर के, वो बच्चे नहीं आ पाए, कोई बात नहीं है, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा मेरा उनका। अभी ये चलो अच्छा, ये अपना अजय पटेल है, एमपी से है, तो ये चलो दिल से सम्मानित किया है। ओके, सभी को आई लव यू। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इनक्लूड जिंदाबाद। इनक्लूड जिंदाबाद। इनक्लूड जिंदाबाद। रक्की भौजी आई लव यू। रक्की भौजी आई लव यू। रक्की भौजी आई लव यू। ओके, आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करते रहना, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है कुछ टाइम लग जाए आपको, या 1% आप, मैं किस्मत मानता हूँ बेटा, 99% आपकी मेहनत है। जितने मेरे बच्चे देख रहे हो, और भी कई बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्शन दिया है और ऐसे देते रहोगे, और लकी डिफेंस अकेडमी जिसने विश्वास किया है और 3 से 6 महीना या साल भर रुका है, 100% बच्चे को सफलता मिली। कई बार कुछ कारण हो जाते हैं, कुछ मेडिकल इश्यू हो जाते हैं, या रनिंग में पीछे नंबर आ जाता है, बच्चा घबराहट हो जाती है, तो कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण एक दो बार नहीं होता, लेकिन उसके लिए आपको निराश या हताश या घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 100% सफलता मिली। बाकी आपको जो भी आर्मी से संबंधित कोई भी आपको चीज देखनी है, मेरा चैनल है लकी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब पर, आप उसमें आपको फिजिकल मेडिकल रिटर्न और भी डॉक्यूमेंट से संबंधित या और भी आपको भरपूर आर्मी का नॉलेज आपको मिलता रहेगा। आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना। आपका दोस्त शिवरतन सिंह, जय हिंद जय भारत।